brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता. मैं कहता हूँ मुझे बहुत डर लगता है. डर लगता है उस दिन से जिस दिन मैं थका हारा घर आऊँगा और कोई ये नहीं बोलेगा, बेटा तो कुछ खाएगा. डर लगता है उस दिन से जब मुझे कोई अपनी गोद में सुलाने नहीं आएगा. डर लगता है उस दिन से जब मैं बिना खाए सो जाऊंगा और कोई मुझे उठाकर अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगा. हाँ, मुझे डर लगता है. कौन पापा से लड़कर मेरे लिए मूवी टिकट के पैसे दिलाएगा? जब मुझे तेज बुखार होगी तो कौन पूरी रात मेरे पास बैठकर मेरे बालों को सहलाएगा? हाँ, मुझे डर लगता है. डर लगता है, बहुत डर लगता है उस दिन से जिस दिन मेरे सर पे से मेरी माँ का आँचल लग जाएगा. अच्छा, और एक पोएट्री है. तो अभी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रेप. तो मतलब कि 6 महीने की बच्ची से लेके 7 साल की बूढ़ी औरतों को भी नहीं छोड़ा है. तो मैं वैसे लोगों से कुछ कहना चाहूँगा कि तुम नोचते हो उनके जिस्म को, तुम नोचते हो उनके जिस्म को, बर्बादी तो उनके रूह की होती है. तुम नोचते हो उनके जिस्म को, बर्बादी तो उनके रूह की होती है. भले तुम छोड़ दो जिंदा उनको करके उनका रेप. तुम नोचते हो उनके जिस्म को, बर्बादी तो उनके रूह की होती है. भले तुम छोड़ दो जिंदा उनके करके उनका रेप. कत्ल तो उनकी इज्जत उनके आबरू की होती है. कत्ल तो उनकी इज्जत उनके आबरू की होती है. बहन तो तुम्हारी भी होगी, बहन तो तुम्हारी भी होगी, माँ तो तुम्हारी भी होगी, बेटी तो तुम्हारी भी होगी. बहन तो तुम्हारी भी होगी, माँ तो तुम्हारी भी होगी, बेटी तो तुम्हारी भी होगी. तो फिर क्यों क्यों किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी को बनाते हो अपनी हैवानियत का शिकार? अरे तुम अगर इसे मर्दानगी कहते हो ना तो नानत है इसी मर्दानगी पे, और करता हूँ मैं इसका धिक्कार. जाओगे जब ऊपर इंतकाल के बाद, जाओगे जब ऊपर इंतकाल के बाद, क्या जवाब दोगे उनके सवाल के बाद? क्या जवाब दोगे उनके सवाल के बाद? अरे शर्म करो, शर्म करो, खुदा से डरो, अपनी ही बहनों की तरह दूसरों की भी बहनों की हिफाजत करो. अब आखिरी में एक शायरी से खत्म करना चाहूँगा कि एक चेहरा नूरानी है, एक चेहरा नूरानी है, एक नाम जुबानी है, एक सच अरमानी है. एक चेहरा एक चेहरा नूरानी है, एक नाम जुबानी है, एक सच अरमानी है, आंखें शराब पुरानी है. एक चेहरा नूरानी है, एक नाम जुबानी है, एक शख्स अरमानी है, आंखें शराब पुरानी है. जिसे पढ़कर आए हर चेहरे पे मुस्कान, जिसे पढ़कर आए हर चेहरे पे मुस्कान, कि वो सिद्धत से लिखी गई एक शायर की एक खूबसूरत सी कहानी है.